तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो किसी क्लिनिक का हो या किसी पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज किसी नहीं, इदारे हमें का? उसमें सिर्फ और सिर्फ उस शोबे से मुंसलिक अदारे का क्लिनिक एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसमें कोई शर्त नहीं है कि टर्शरी केयर हो या कोई शर्त नहीं। ठीक है, वो आपका एक प्राइवेट क्लिनिक का एक्सपीरियंस हो सकता है, आरआईटी वाले दोस्त जो रेडियोलॉजी है वो अगर किसी लैब का एक्सपीरियंस हो एज अ रेडियो टेक्नीशियन, एज अ रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट इवन, तो वो वहाँ का 2 साल का एक्सपीरियंस। एमएलटी के जो एमएलटी है, एमएलटी के लैब के लोग होंगे वो लैब का एक्सपीरियंस शो करेंगे। ठीक है, तो दैट इज, और उसमें तो फिर काफ़ी स्टेजेस है, ये BL2 लेवल की लैब है, ये 3 की है, ये 1 की है, तो उस तरह के लेवल के एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छे वो जा सकते। गल्फ सारा पाकिस्तान में बैठ के लाइसेंस करना होता है, आपको एक डेटा फ्लो है सबका, तकरीबन मनोवन यही प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत चेंजेस। उनकी हेल्थ अथॉरिटी में आपने रजिस्टर होना है, वहाँ से नंबर मिलेगा, आपका डेटा फ्लो है उस मुल्क का, एक तरीकाकार है जिसमें आप अपना बायोडेटा फिल करते हैं, वो फिल करने के बाद आपको एक नंबर आएगा, नंबर आने के बाद आप अप्लाई करेंगे उस अपने शोबे से मुंसलिक टेस्ट के लिए। ठीक है, वो टेस्ट आपका ऑनलाइन होता है, पाकिस्तान में अवेलेबल है सारे गल्फ कंट्रीज़ का, तो आप पाकिस्तान में बैठ के प्रोमेट्रिक एक इंस्टीट्यूट है वो इसको रन करते हैं पाकिस्तान में, तो वो आप अदारे में बैठ के पेपर देते हैं और आपका पास हो जाता है, तो फिर आप अपने एम्प्लायर को वो पास भेजते हो। ठीक है, यानी आप, मैं अगर CV भेज रहा हूँ किसी एम्प्लायर को या किसी हॉस्पिटल को दुबई में, तो मुझसे पूछेगा आपका डेटा फ्लो नंबर क्या है और आपका लाइसेंस पास नंबर क्या है, तो जब वो लाइसेंस पास होगा तो मैं वो उनको दूंगा, उस पर वो मुझे वीज़ा और मेरी सारी प्रोसीजर ऑफर करेंगे फिर। सही, यहाँ तक की बात है। अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो लाइसेंस पास करके दुबई विजिट वीज़े पे जाते हैं हमारे स्टूडेंट, और वहाँ उनको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। ये है एक ऐसा प्रोसेस, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, गल्फ पैसे ज़रूर देगा, मनीट्रल बेनिफिट तो होगा लेकिन आपको नेशनलिटी कन्वर्जन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप अजमी और गैर मुल्की ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं गल्फ को शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़रूर रेफ़र करता हूँ लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए नहीं। अगर आपने परदेश ही काटना है, घर वालों से दूर ही रहना है, तो फिर ऐसे मुल्क जाएं जहां आपको नेशनलिटी का बेनिफिट हो सके।